बस्तर के बीजापुर जिले में हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और लोकसभा चुनाव के मतदान की तैयारियों को लेकर बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदर राज ने कहा कि स्वतंत्र और सुरक्षित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डीआईजी कोबरा बस्तर बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान काम कर रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा हमें अतिरिक्त बल आवंटित किए गए हैं। बस्तर की सीमा से लगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समन्वय बैठक चल रही है। उन्होंने नक्सली ऑपरेशन को लेकर कहा कि 13 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें 3 नक्सली महिलाएं हैं। शवों की शिनाख्त की जा रही है। जी सर, बस्तर संभाग के अंतर्गत दिनांक 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 अप्रैल को कांके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। संपूर्ण कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने के लिए हमारे पास पूर्व से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर तथा केंद्रीय सैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, पीएसएसबी उपलब्ध है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा भी हमें अधिक बल आवंटन की गई, अभी उसका इंडक्शन का कार्रवाई की जा रही है। ये सभी सुरक्षा बल को लेकर साथ साथ जो सीमा और इलाका में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रहा है और सीमा और इलाके में मोबाइल चेक पोस्ट, नाकाबंदी कार्रवाई के साथ साथ एयर डोमिनेशन ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण इलाके में जो नक्सलवादी अभियान के साथ साथ जो रेगुलर जो चेकिंग का कार्रवाई, जिससे सीमा और इलाके में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु मतलब जो सीमा से अंदर ना आ पाए और इस प्रकार मतलब इधर का कोई भी जैसे आपत्तिजनक जो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट दूसरे इलाके में ना हो पाए, इन सब कार्रवाई अभी लगातार जारी है और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा मतलब चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से संबंधित करने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा। दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर की थाना गंगलोर के अंतर्गत कुरचोली इलाके में सीपीएम और संगठन के प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सवेरे लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगहों में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों के डेड बॉडीज है। अभी तक उसका शिनाख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संभवतः पीएलजी कंपनी नंबर 2 जो इलाके में जो पश्चिम बस्तर इलाके में सक्रिय रहते हैं उस फॉर्मेशन का माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी होने का पूरा संभावना बताई जा रहा है। आज दोपहर शाम तक शिनाख्त कार्रवाई भी पूरा हो जाएगा। वेपन के हिसाब से देखा जाए तो एक LMG वेपन, एक 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL में बैरल ग्रेन क्लॉजर्स घटनास्थल से बरामद हुई थी। इसके अलावा अन्य जैसा 12 बोरियम अदर वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी भी फर्दर जो सर्च टीम्स इलाके को सर्चिंग कर रहा है और कॉर्डन और इन्फोर्समेंट टीम्स भी घटनास्थल की सभी तरफ से अभी एरिया को कॉर्डन कर क्लियर कर रहा है। अभी कुल इस अभियान में 13 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर की गई। जैसा उस इलाके में जो प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन का पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के जो सीनियर कैडर्स जैसा पापा राव, लेंगू एवं अन्य जो PLG कंपनी नंबर 2 का कैडर का उपस्थिति उस इलाके में प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर जो एक संयुक्त अभियान का प्लान करके DRG, STF, कोबरा और CRPF के संयुक्त बल रवाना किए गए थे सुरक्षात्मक कारणों से। और क्योंकि अभी भी अभियान जारी है इसलिए संख्या बताना भी संभव नहीं होगा, लेकिन पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल अंदर इंडेट किए गए थे। फिर सुबह से लेकर लगातार 14 घंटे इनकाउंटर चलते रहा मतलब अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग टीम्स के साथ। उसी प्रकार टोटल 13 माओवादियों को डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हमने एक इंटीग्रेट अप्रोच के माध्यम से इलाके में ऑपरेशन एक उसके एक पार्ट होगी, लेकिन उसके अलावा जो क्षेत्र को नक्सल गतिविधि से मुक्त कराने के लिए नवीन सुरक्षा कैंप भी काफ़ी बड़ी संख्या में प्रारंभ किए गए थे। खासतौर पर जिस इलाके में माओवादियों का मजबूत उपस्थिति रहा, पहले पश्चिम बस्तर इलाका, दक्षिण बस्तर इलाका, इन इलाके में जैसे बांसवाड़ा से लेकर जगरुंडा, बेजी चिंता गुफा, चिंतलनार किस्टाराम, मिरतूर से लेकर गंगलोर तक और ऊपर जैसा पूरी बस्तर डिवीजन के इलाके में देखा जाए तो पल्ली बारसूर एवं अबुजमा क्षेत्र अंतर्गत भी और उत्तर बस्तर क्षेत्र में भी लगातार जो माओवादियों का जो सेफ कॉरिडोर जो माना जाने वाले इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे, उसके माध्यम से क्षेत्र में जो विकास कार्य को भी गति दे सकते थे और अंदरूनी क्षेत्र के लोगों को बाहर की दुनिया से जुड़ाने के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी हमारा नवीन कैंप उसमें उनका रोल रहा। उसके साथ साथ इलाके में जो मूलभूत सुविधा जैसा बिजली आपूर्ति,
रेशन दुकान और आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्कूल वगैरह का प्रारंभ करने के लिए भी नवीन सुरक्षा कैंप एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में कार्य किया है। और इन सब परिस्थिति के कारण से और जो ऑपरेशनल जो हमारा फोर्सेस है जैसे डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, बीएसएसबी और बस्तर फाइटर का भी इसमें काफ़ी एक ऑपरेशनल एडवांटेज के लिए वो लोग बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई किए। उसके परिणाम अभी देखा जाए तो विगत 3 महीने में 46 से अधिक मौतिक कैडेट्स का डेड बॉडी रिकवर की गई। अभी प्रतिवर्ष देखा जाए तो गर्मी की अवधि में टीसीओसी अभियान के माध्यम से मौतिक कैडेट्स द्वारा इलाका में किसी न किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर एक भयभीत वातावरण निर्मित करने का उनका प्रयास रहते हैं। टीसीओसी के दौरान अलग अलग इलाके में उनका मीटिंग्स भी होते हैं और खासतौर पर जहाँ पश्चिम बस्तर इलाके में जो सीनियर कैडेट्स जैसे पापाराव लेंगू और पीएलजी कंपनी नंबर 2 और अन्य जो कैडेट्स हैं उनको उपस्थिति सक्रिय रूप से मिलते हैं। इन सब विषय को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक आसूचना आधारित अभियान संचालित की गई थी जिसमें स्पेशल फोर्सेज डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, एसटीएफ, उसके अलावा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो उस इलाके में पहले से तैनात है सीआरपीएफ, इन सब फोर्स के माध्यम से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कल अभियान जारी की गई थी। अभियान के दौरान फोर्सेज के साथ लगातार अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई थी। लगभग 14 घंटे ये मुठभेड़ जारी रहा। उसके पश्चात जो फाइनल टैली है कोई 13 मौतों का डेड बॉडी रिकॉर्ड कर पाए थे। जो वो क्षेत्र जैसा बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाके के रूप में माना जाता है और उसी कारणवश माओवादियों के एक स्ट्रांग बेस उस इलाके में रहा। जो पश्चिम बस्तर जो डिवीजन है माओवादी के लिए सबसे एक मजबूत डिवीजन जैसा दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर होते हैं क्योंकि उस इलाके में जैसा लगभग 40x40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो माओवादियों के लिए एक काफ़ी एक सेफ इलाका माना जाता था। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में मृतूर से लेकर गंगलू तक काफ़ी नया सिक्योरिटी कैंप्स भी प्रारंभ किए गए थे और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन भी हम लोग एक इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप अभी सकारात्मक रिजल्ट हमको देखने मिल रहा है।